I fight them. They beat me. They whip me. They break the bones in my body. More times than I can count. But they never, never break me. 150 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है इस अंग्रेज ने किस तरीके से हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। ठीक उसी तरह अमेरिकन्स ने अफ्रीकन्स के ऊपर अत्याचार किए थे, जिसके बाद एक जंग का रूप ले लेते थे। इस जंग को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट की जंग से नाम के जानते हैं। आज मैं वही जंग की, एक अफ्रीकन्स की सर्वाइवल के ऊपर फिल्म आ रहा है, वही फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है इमेंसिपेशन। इस फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज किया एप्पल टीवी की यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखे होंगे ना, तो जस्ट एक बार इस ट्रेलर को देख लो भाई। स्लेव किसे कहते हैं, बस क्या बता आप लोगों को। अमेरिकन्स ने जिस तरीके से अफ्रीकन्स के ऊपर स्लेवरी किया था, अपनी आंखों से देखना वो भी बहुत ही मुश्किल है बॉस। अब मैं इमेंसिपेशन फिल्म का स्टोरी के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। पीटर एक अफ्रीकन्स है, जिसे कुछ अमेरिकन्स ने आके उठा के ले जाते, फिर उसे वहाँ पे स्लेव कराता है। उसके बाद अमेरिकन्स ने उसे व्हिप करके करके मौत की तरफ ढकेल दिए थे, फिर भी वो बच गए थे। उसके बाद उसने नॉर्थ की तरफ भाग गए थे और वहाँ जाके यूनियन आर्मी में शामिल हो जाते। अब उसके अंदर वो खून खौल उठता है जस्ट रिवेंज लेने के लिए। अब वो रिवेंज लेने के लिए जंग पे उतर जाते हैं, फिर उसने बहुत सारे लोगों को मार के अब जिंदा रहते हैं। अब जब पीटर को उस गांव से उसे उठा के ले जा रहे थे, पीटर ने एक वचन दिया था, मैं एक दिन ना एक दिन वापस आऊंगा। अब ट्रेलर की एंड में वो वापस जा रहा है या नहीं जा रहा है ये तो नहीं दिखा रहा है, शायद वो फिल्म में जाएगा वो वापस अपने बेटे के पास। बट बॉस जिस तरीके से इस फिल्म का ट्रेलर को काटा, आपको ये ट्रेलर देख के आपका रूह कांप उठेगा। इतनी अच्छी तरीके से ट्रेलर को काटा और ट्रेलर देख के इतना ज़्यादा रियलिटी फील आ रहा है, आपके अंदर गुजबाम्स जाग उठेगा। अब मैं इस फिल्म का कास्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। इस फिल्म में जो अफ्रीकन्स की मतलब पीटर का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है विल स्मिथ, और अमेरिकन का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बेन फॉस्टर। गाइस विल स्मिथ की एक्टिंग के बारे में बोलना मतलब वो मूर्ख के बराबर है। मैं यहाँ पे छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ, अगर गलती हो जाए ना तो प्लीज माफ कर देना। इस ट्रेलर में एक जगह एक डायलॉग है विल स्मिथ का, आई फाइट देम, दे बीट मी, दे व्हिप मी, दे ब्रेक द बोन्स इन माय बॉडी मोर टाइम्स देन आई कैन काउंट, बट दे नेवर नेवर ब्रेक मी। गाइस डायलॉग देख के ना जस्ट आप लोगों को एक गुस्बम्स आने लगा, क्या डायलॉग किसे कहते हैं, मतलब बोलने का जो स्टाइल है। इमेंसिपेशन फिल्म 1 अक्टूबर 2022 वाशिंगटन डीसी में फर्स्ट स्क्रीनिंग हुआ था। अब 2 दिसंबर कुछ ही सिनेमाघरों में ये फिल्म आएगा, बट उसके बाद सारी दुनिया वालों ने ये फिल्म देख पाएगा एप्पल टीवी प्लस चैनल में 9 दिसंबर 2022। यस गाइस 9 दिसंबर ये फिल्म एप्पल टीवी प्लस में स्ट्रीमिंग होने जा रहे हैं। सो आप लोग एक बार यूट्यूब में जाके इस फिल्म का ट्रेलर को एक बार देख लो, इमेंसिपेशन, क्या है नाम। अगर आप लोग ध्यान से विल स्मिथ का इस डायलॉग के बार सुन लेते हो ना, तो पूरा दिन आपको ये डायलॉग ही याद आएगा। सो बॉस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बॉस, सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।